उनको आया है एक आइडिया, हम करें। मेरी सारी मूंछें उड़ा दी मैंने, इतनी मुश्किल से कमाई और इसने सारी एक मिनट में उड़ा दी। कमाई कहाँ से है? ये देखें, ये सारा इसका काम है। आज हमारे दादाबू की, दादाबू बशीर की सलाना खत्म है। ये चावल हो चुके हैं खत्म, ये चावल मिल चुके हैं, अब हम इनको खाते हैं मजे मजे से। सबसे एंड पे आए थे फिर भी हमने माशाल्लाह 3 प्लेट्स पाड़ ली है। गार्डन नजर आ रहा है माशाल्लाह, प्यारा प्यारा था, उसमें सारी घास लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। उनको आया है एक आइडिया, हम करेंगे सम्मान करेंगे, हम तो करेंगे सम्मान जुलम ही कर। लग रहा के नहीं खुर्शीद अहमद, ये आपको पता है उन्हें नहीं रखा अपने घर में। इधर मुंह करो, ओए वो तू पागल है, मैं तुम्हारी गंजी करवा दूंगा गंजी से। ओए नाक के बाल भी काट दो। ओए रुक जा, रुको जरा सब्र करो, अच्छे तरीके से करना है। ओए नीचे मुंह कर, लिपिस बंद करो लिपिस। ये देख कैसे क्या कर नहीं ये क्या कर दिया तुझे, दिल तो कर रहा है इसका ऊपर से गिरने उड़ा। अरे मेरी नाक ना उड़ा दे, मेरे पैसे पूछो कोई नहीं देना। पैसे क्यों देने तुझे ना, गांव इधर ही, इधर गंजी भी गांव में साथ ही, मुझे घर करना ही रखा। लग रहा है कि नहीं इंसान मैं तो हूँ, इंसान ही इंसान लग रहा है। अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत बुरा है, ये देखें, ये सारा इसका काम है, इसने मेरी सारी मूंछें उड़ा दी, मैंने इतनी मुश्किल से कमाई और इसने सारी एक मिनट में उड़ा दी। कमाई कहाँ से है? ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल साफ सुथरा ही हो चुकी है और मेरी इतनी डोंट उड़ी है। इस हमारे नाई ने इतना बुरा किया, इसको अपने काम पे रखा और इसने मेरी मूंछें उड़ा दी। दोबारा खेती करना फिर कमाना, दोबारा खेती करना फिर कमाना। किसी से पूछ के बात तेरा बताओ, तुमने मेरी मुझे उड़ा दी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। कैसा लग रहा हूँ मुझे कमेंट में जरूर बताना। इंसान तो नहीं लग रहा वैसे। नाई अपने, इसको अपने घर में नाई रखा हुआ है, जो भी हमारा कोई घर में काम होता है हम इस नाई को बुला लेते हैं। मूछों वाला काम भी मैंने इसको खास तौर पर फोन करके बुलाया तो भाई। फिर ये मेरे पैसे क्यों निकाल रहा, मैं नाई हूँ। अगर आपको भी चाहिए हो तो मैं आपको इसका नंबर दे देता हूँ, नंबर तो खैर है नहीं, इंस्टाग्राम पे इसकी आईडी है उमर जवान के नाम से, मस्त मुंडा, मस्त मुंडा के नाम से। उस पर आप इसको मैसेज कर दें, अगले दिन आपके घर ना हो तो फिर मुझे आगे पकड़ लेना यहाँ पे। तो भाई कैसा लग रहा हूँ कमेंट में मुझे बताना। और मेरे पैसे कौन से? और ये हमने होम सर्विस के लिए इसको रखा हुआ है, जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब रात के 12 बजे होंगे, सुबह 3 बज रहे होंगे, इसने हमारे दरवाजे के बाहर खड़े हो जाना है आके, जी भाई क्या काम है क्या काम है। अगर आपको भी कोई काम है तो इंस्टाग्राम पे इसकी आईडी है मस्त मुंडा के नाम से, आप इसको मैसेज करेंगे इंशाल्लाह ये आपके पास ज़रूर हाजिर होगा और जो आपने काम करवाना है वो ज़रूर करेगा। इससे मेरे पैसे तो निकलवा लें पहले। अरे नहीं पैसे निकालो, इस नाई को समझा रहे वरना मैंने इस नाई को कत्ल कर दिया। पैसे निकालो और हट जाए, एक तो मेरी मुझे उड़ा दी, ऊपर मेरे से बकवास कर रहा। पैसे निकाल जी, मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ, तकरीबन 7 बज रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मौसम है, चिड़िया चहचहा रही है, अल्लाह ताला की कुदरत का एक खूबसूरत मंजर हमें देखने को मिल रहा है सुबह सुबह। माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, सर्दी लग रही है इसलिए जैकेट भी पहन के हैं। तो यार मुझे डेरे पे है कुछ काम, मैं भी आपको काम दिखाऊंगा अभी क्या काम है। पहले हमने उठाना है अपने चाचू जिब्रान को, उन्होंने काम करना है, जो भी करना है पहले जाते हैं चाचू के घर, उन्हें उठाते हैं, शायद मैं भी वो उठे भी हूँ, चलो देख लेते हैं, अगर नहीं उठे तो उन्हें उठा लेते। और हम डेरे पे चाचू जिब्रान के पास गए थे लेकिन वो खा रहे हैं नाश्ता, तो हम डेरे पे ये चेक करें आप, यहाँ पे मिट्टी है और साथ ही घास पड़ी है। हाँ जी हमने घास लगानी है आज, हमारे सामने जो आपको गार्डन नज़र आ रहा है माशाल्लाह प्यारा प्यारा था, उसमें सारी घास लगानी है। और ये जो पहले आई है इसको सारा साफ़ करके फिर
साफ सुथरा ही करके फिर ही हमने घास लगानी है। तो हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है, हम तो इसका निकनेम ही लेते हैं डेंगी। यार आप सीधा नाम बता दे हमें। हुसनैन, हुसनैन हमारे साथ है। हुसनैन उतार रहे मिट्टी, हुसनैन के साथ हमने करानी है मदद कि मिट्टी सारी नीचे उतर जाए। जब चाचू आए तो आराम सुकून से ये जो हम घास है उसको गार्डन में लगा दे। और उधर आपको फूल भी नजर आ रहे होंगे माशाल्लाह, कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए। तो बस यार मिट्टी उतारते हैं, फिर इनको लगाने का काम है वो शुरू करते हैं। आज हमारे दादाबू की, दादाबू बशीर की सालाना ख़त्म है, उधर ही मैं जाने के लिए हो रहा हूँ रवाना। यार ख़त्म मेरे ख्याल से एक और भी थी उधर, वो कार साहब मस्जिद में थे, मैं उनका लेट शुरू होगी लेकिन अब पता चला वो तो खाना भी खिला रहे हैं वहाँ पे, मैं उधर। और हम पहुँच चुके हैं और हमें इधर आके पता चला कि चावल हो चुके हैं ख़त्म। चले कोई नहीं, दादाबू के घर खा के जाएंगे अभी यहाँ से। फाइनली ये चावल मिल चुके हैं, अब हम इनको खाते हैं मज़े मज़े से और फिर आप आपको बताते हैं ख़त्म के चावल कैसे हैं। इस असदुल्ला ने मुझे लेट करवाया वरना मैं टाइम से आ रहा था, कह रहा 3 बजे चावल खा के फारिग हो चुके हैं। हम सबसे एंड पे आए थे फिर भी हमने माशाल्लाह 3 प्लेट्स पाड़ ली है, 3 प्लेट्स खा ली हैं और हम निकले हैं बाहर और हम सोच रहे हैं जाए प्रैंक करने असर के साथ। बैठो बैठो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम आपको मिलेंगे नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।